हेलो भाई, नवंगित भाई, आजकल इतना गर्मी लग रहा है ना यार, पूछो मत। अभी देखो 4:52 हो रखा है भाई, अभी कुछ ठंडा हुआ यार। सोचा कि चलो एक काम कराते हैं अपनी गाड़ी में। भाई मैं सुबह से सोच रहा हूँ कि चलूँ चलूँ, भाई निकला नहीं जा रहा था घर से, इतना धूप हो रहा था भाई। खैर आज अपन छोटा सा एक काम करवाने वाले हैं भाई अपनी स्कूटर में। बहुत दिन से सोच रहा हूँ यार, करवा दूँ। पापा मेरे को रोज़ बोल रहे थे इसको धूप में खड़ा कर रहा है ना, ये सीट देखना फट जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ भाई कि इसमें सीट कवर डलवा ही देते हैं। बताओ, पापा जब टोकते हैं ना हो ही जाता है। अभी तक तो भाई कहीं से चरका नहीं है, लेकिन चरक सकता है मेरे को लग रहा है भाई। चलो देखते हैं आफ्टर मार्केट सीट कवर वगैरह लगवाते हो स्कूटर में तो कितना खर्चा जाता है, साथ ही अपने पास कितना ऑप्शन रहता है, क्या रहता है क्या नहीं रहता है। यहाँ पे भाई मैं नया हूँ अंबिकापुर में, तो खर्चा वगैरह कितना जाता है उस चीज के बारे में जानेंगे भाई इस वीडियो में। मैं किसी भी शॉप वाले को नहीं जानता जो सीट कवर वगैरह बनाते हैं, तो अपने से ही ढूंढना पड़ेगा अच्छा दुकान को। तो मैं साहिल भाई जा रहे हैं, अभी साहिल भाई आगे हैं। तो अभी भाई साहिल भाई तो आ चुके हैं हमारे साथ, चलते हैं। ये बता रहे हैं स्टेडियम के पास एक दुकान है भाई, एक दुकान पे तो आए हैं। देख लो यहाँ पे बहुत सारा सीट है, अंकल जी ने मेरे को बहुत सारा दिखलाया। देख लो ये रहा एक आपका 270 रुपये का, एक रहा अपना 320 रुपये का। ये थोड़ा टेक्सचर में अलग है, मोटाई पतला ही है भाई, मतलब ये सीट बहुत ही पतला आपका आएगा। सीट कवर जो है ये थोड़ा सा मोटा है, और ये वाला और थोड़ा मोटा है। ये आपका 370 का है, और ये वाला 650 का है। ये बहुत ही महंगा है भाई, और ये वाला मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, तो मैंने ये वाला डन करा भाई। इसका टेक्सचर भी अच्छा लग रहा है, और मैं साइड में ट्रीटमेंट डलवा दूंगा यहाँ पे अंकल जी, ये वाले पोर्शन पे। हाँ, ऐसे कलर का भाई डलवा दूंगा तो अच्छा लगेगा। अभी आपका पहले सीट खुलता है भाई, तो मैं पहली बार लगवा रहा हूँ, पहला एक्सपीरियंस रहेगा मेरा। ये अपना सीट निकल चुका है, बाकी साहिल भाई तो एकदम चमक रहे हैं। क्या बात है, बाल कटवा दिया इसीलिए? हाँ। मेरे को भी बताते, मैं भी कटवा लेता। मैं तो पहले से ही कटवा के रखा हूँ ना। हैंडसम तो है साहिल भाई, कुछ भी कहो। देखते हैं भाई क्या प्रोसेस होता है हमारा, मैं आपको सब चीज़ दिखाऊंगा। अंकल जी ने काम स्टार्ट कर दिया, पहले इन्होंने एक सीट लिया, मतलब वही सीट कवर वाला, उसको अच्छे से नापें, उस पर पेन चलाएं, फिर साइज का एकदम काटे भाई, एकदम साइज का। फिर उसके अलावा रेड जो ट्रीटमेंट देना था ना वो भी लिए। फिर इन्होंने ये अंकल को दे दिया सिलने के लिए, ये अंकल सीए हैं, और फिर स्टेपलर मारे हैं। बाकी ये चौक देखो भाई, इसको घड़ी चौक बोलते हैं अंबिकापुर में। यहाँ पे फाइन वाइन कटा है आपका चलान वालान? हाँ भाई, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर रेड है तो रेड में आपको रुकना ही पड़ेगा भाई, यहीं पे पुलिस वाले रहते हैं। देख लो, एक दिन पकड़ा गया था। पकड़ा गए थे? फिर क्या, गाड़ी छोड़ना पड़ गया, पापा को बुलाया, 500 का फाइन। ओ भाई, यहीं पे? वही कब का बात है? हो गया 2 साल। हाँ तो गलती करोगे तो भाई 500 तो देना ही पड़ेगा ना, बाकी मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है। उस दिन हेलमेट का चेकिंग हो रहा था, हेलमेट लगाया नहीं था। अच्छा भाई, ये ठीक है ना, आरटीओ गाड़ी में ना हेलमेट का टेंशन है ना आपका ड्राइविंग लाइसेंस का टेंशन है, बस टकराते रहो मजे में। ठीक है भाई, लेकिन प्लेटिना को लेके अगर पकड़े गए ना तो फिर पिल जाएंगे अच्छे से। बाकी भाई देखना भैया सीट का कैसी लग रही है गाड़ी। ओ भाई साहब, सीट अपना भाई रेडी हो गया, देख सकते हो मस्त लग रहा है यार एकदम। अभी फिट हो जाने दो, फिर देखते हैं कैसा लग रहा है गाड़ी के साथ है। लग गया भाई, एकदम डन हो चुका है यार, बढ़िया फिट एंड फिनिशिंग है। बाकी एक बार फिर से खोलना चाहूँगा मैं, ये खुल चुका है। बाकी यहाँ पे देख लो स्टेपलर लगा है, आपने देखा ही था क्लिप। अब बाकी ये खोलना बहुत ईजी है भाई, आराम से नट खोल के अपना सीट निकाल सकते हो। और ये स्टेपलर भाई बहुत ही हैवी है, इसको बंद करो। पहले से बंद करने में आप दिक्कत कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा अच्छा थोड़ा टाइट हो गया है ना, इसीलिए दिक्कत कर रहा है। अब आराम से बंद हो रहा है। बाकी ओवरऑल लुक देखो भाई, बढ़िया लग रहा है यार, मैच कर रहा है। अंकल जी को पैसा देके निकलते हैं फटाफट। ओ हीरो, चलो 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 साहिल भाई, हो गया अपना डन। एक बार तो देखो यार, देख भी नहीं रहे हो भाई, इतना मेहनत से करवाएं बनवाएं, देख लो। आप भाई बहुत मस्त लग रहा है। मतलब लुक ही चेंज हो गया ना पूरा। हैं, बाकी अब अपना सीट भी नहीं फटेगा, कलर ये है ना, हां मैच कर रहा है भाई। बाकी ये यहाँ से फटे ना, फटेगा तो नहीं ना? नहीं फटेगा, सिलाई तो ठीक, नहीं फटना, फटना तो नहीं चाहिए। चलो चलो चलो, बाकी भाई ऐसा सीट बनवाना है तो अंकल जी के दुकान पे आ सकते हो, घड़ी चौक के पास ही है, मात्र 320 रुपये में बनवा सकते हो भाई। चलो जी भाई, प्रमोशन तो बहुत कर दिया उनका, लेकिन उन्होंने 1 रुपये अभी छोड़ा नहीं। खैर अभी एक बार अच्छे से देख लो, अच्छा लग रहा है भाई, मतलब खराब नहीं लग रहा। जो मैंने टेक्सचर वाला लिया है ना,
मतलब मैच अच्छा कर रहा है गाड़ी के साथ, समझ रहे हो ना। बाकी ये रेड वाला जो ट्रीटमेंट है ना, ये काला ना पड़े ये मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है। बाकी लाइव बन गया यार सीट का, पता है इलेक्ट्रिक गाड़ी का जो चमड़ा होता है ना सीट का, वो थोड़ा सा पतला होता है भाई एज कम्पेयर टू बाकी सारे। बाइक की बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे प्लेटिना का थोड़ा हेवी है, अच्छा खासा दिन हो गया लेकिन फिर भी फटा नहीं, लेकिन ये मेरे को लग रहा था भाई फट जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसी का पहले लगवाते हैं और एक्सपीरियंस लेते हैं भाई क्या खर्चा वगैरह आता है। ज़्यादा नहीं आया भाई, 320 रुपया आया, ख़राब थोड़ी ना, लाइव बन गया और क्या चाहिए हमें। धागा से बांधा नहीं जाता है, मतलब पूरा लगा के लास्ट में बांध दिया जाता है टाइट, लेकिन उससे टाइट नहीं होता भाई, वो खुल खुल जाता है। पहले चलता था लेकिन आजकल यही वाला सिस्टम चल रहा है। बहुत भाई कहेंगे कि बैठ रहे हो उस पे तो मतलब पहले से बढ़िया लग रहा है या फिर और बेकार हो चुका है। देखो कुछ माइनर सा भाई चेंजेस नहीं लग रहा, बस थोड़ा सा टाइट टाइट सा लग रहा है भाई। अब धीरे धीरे बैठते बैठते आदत हो जाएगा, लेकिन वो वाला बहुत ही मुलायम लगता था, मतलब ऐसा दबता था पूरा, लेकिन ये वाला थोड़ा सा टाइट टाइट सा लग रहा है। आप भी लगवा सकते हो भाई अपने गाड़ी में और सीट का लाइफ बढ़ा सकते हो मात्र 300-400 रुपये देके, मतलब जैसा क्वालिटी ले तो 200 का भी मेरे हिसाब से आता होगा भाई, 100 रुपये का भी आता होगा, लेकिन ये लोग रखते नहीं है भाई, उसमें मार्जिन कम होगा ना, इसमें अच्छा खासा उन्होंने कमाया होगा। चलो यही था भाई मेरा एक्सपीरियंस, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।